हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप टेली से सेल इनवॉइस प्रॉपर कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको व्हाट्सएप में जाना पड़ेगा या फिर आप शॉर्टकट के वी है तो आप वी भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं वी प्रेस करता हूँ। देन आपको सबसे पहले सेल्स के व्हाट्सएप में जाना पड़ेगा जिसका शॉर्टकट की F8 है, आप या फिर माउस से प्रेस कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी सेल्स के वाउचर में हूँ। तो इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेट चेंज करना पड़ेगा, तो जिसका शॉर्टकट की F2 है, तो आप यहाँ से डेट चेंज कर लीजिएगा। मैं कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है इनवॉइस नंबर, मैं मेंशन कर देता हूँ, एंटर। देन यहाँ पे आपको सर्च करना है पार्टी का नाम। अगर आप नया पार्टी बना रहे हैं तो ऑल्ट सी करके आप यहाँ नया पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ऑल्ट सी। देन आप यहाँ पे पार्टी का नाम सर्च कीजिएगा, मैं कास्ट लिख देता हूँ, इंटर प्रेस शॉर्टकट। देन आपको यहाँ पे लेना संडे डेटा, उसके बाद आपको एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, मैं बस दिल्ली लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, तो मैं दिल्ली यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद पिन कोड मैं डाल देता हूँ। देन आपको एंटर कर करके यहाँ पे नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि आपका रजिस्ट्रेशन टाइप जो पार्टी है वो क्या है। तो मेरा यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, मैं अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ। देन आपको एंटर, आपको बाहर आ जाना है। पार्टी का लेजर क्रिएट करने के बाद आपके साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप यहाँ पे डिटेल्स फिल भी कर सकते हैं, डिस्पैच डिटेल जो भी होता है। अगर आप किसी कंपनी में इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो ये जनरली मैंडेटरी होता है फिल करना, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टर की ID किसके थ्रू जा रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको मैंशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर डिस्पैच थ्रू में लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टर का डिटेल, जैसे मैं यहाँ पर DHL कोरियर लिख देता हूँ। डेस्टिनेशन कहाँ पे माल जा रहा है, मैं दिल्ली डाल देता हूँ। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ बाकी सारी डिटेल फिल कर सकते हैं, मोटर व्हीकल नंबर, डेट हो गया। अब एंटर कीजिएगा, एंटर, कंट्रोल ए करके सेव। देन आपको यहाँ पे सेल्स का लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं या फिर सेम क्रिएट करने का ऑप्शन है ऑल्ट सी करके। तो मेरा यहाँ ऑलरेडी क्रिएट है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, किस आइटम का आप इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं वो फिल करना। तो मैं यहाँ कोई भी आइटम डाल देता हूँ। क्वांटिटी डिमेंशन करनी है आपको, रेट। इसके बाद अगर आप इस आइटम पे डिस्काउंट देना चाहते हैं या फिर आप देते हैं तो आप यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे नॉर्मली 10 टाइप कीजिएगा तो परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ पे परसेंटेज 10% इनमें से माइनस करके ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, देन एंटर। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सेकंड आइटम लेना तो आप वो भी ले लेते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ कोई और, क्वांटिटी, रेट, सेम अगेन। आप अगर डिस्काउंट मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे GST लगाना पड़ेगा इनवॉइस में। तो अगर आपकी सेल इंटर स्टेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप UP में हैं और दिल्ली सेल कर रहे हैं, तो आप IGST लगाएंगे। अगर आपका सेल इंट्रा स्टेट है, जैसे आप UP में हैं और UP में ही सेल कर रहे हैं, तो आप CGST और SGST लगाएंगे। तो हमें आउट ऑफ स्टेट मतलब इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो IGST लगाएंगे, IGST आउटपुट। राउंड अप कर देता हूँ, एंटर 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 एंटर। अब यहाँ पे आपको सेव के लिए पूछ रहा है, आप यहाँ से नॉर्मली सेव कर सकते हैं। आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो हमारी आइटम है उस पर कितना परसेंट का टैक्स लगा हुआ है। तो ऑल्ट के साथ A प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ऑल्ट के साथ F1, तो आपको यहाँ पे आइटम वाइज दिख जाएगा किस आइटम पे कितना टैक्स लगा हुआ है। जैसे पहली आइटम हमारे 18% लगा हुआ रेट 324, दूसरी आइटम में लगा हुआ है 85 रुपये 50 पैसे। आप यहां से एनालाइज कर सकते हैं, देन बैक आप यहां से एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो हमारी सेल की इनवॉइस बन गई। उसके बाद
आप इनको इनके लेजर में जाके देख सकते हैं। जैसे आप बैक आइए, यहाँ से लेजर ओपन करने का शॉर्टकट की है डी, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक और एल लेजर। आप यहाँ पे लेजर सर्च कीजिए जिसका इनवॉइस क्रिएट किए थे, जैसे मैंने विकास टेबल्स का किया था, तो इनके लेजर में आपको शो हो जाएगा। तो आप इस तरह से सेल्स की इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं विद फुल डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे ही डेली जीएसटी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।